हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिकल फैमिली। आज हमारी केमिकल बॉन्डिंग की थर्ड क्लास है और हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। मैंने बोर्ड पर आपके सामने तीन फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हैं। तो हम इन फॉर्मूलों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम अगर अपना सेकेंड फॉर्मूला देखें तो इसमें देखिए जेड इक्वल टू, यहाँ पे जो हमारा जेड है ये क्या है, जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखिए हमारा जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप फॉर्मूलों पर ज्यादा ध्यान न देके आप सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करिए। जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, हमारा जो हमारी जो वेलोसिटी है वो जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जेड अगर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इंक्रीज होंगे तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट वाले फॉर्मूले पे आते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हमारी क्या होगी, वी बाई सी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अब वी बाई सी की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी, देखिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या है, सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारा एक नंबर है 1/5। ठीक है, 1/5 की वैल्यू हमारी आएगी 0.2। ठीक है, अब हमने नंबर बढ़ा दिया, हमको डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखना है और न्यूमिनेटर की वैल्यू बढ़ानी है, तो 2/5, तो 2/5 की वैल्यू हमारी आ गई 0.4। ठीक है, उसके बाद 3/5 कितनी आई, 0.6। तो हमारा क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम न्यूमिनेटर की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे जो हमारा फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू भी हमारी बढ़ती जा रही है। तो उसी तरह हम वी की वैल्यू अगर हमारी बढ़ेगी तो वी बाय सी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अब वी बाय सी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वी बाय सी का जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ठीक है, देखिए अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 0.04। ये आएगी इसका 0.4 का स्क्वायर करने पर 0.16, 0.6 का स्क्वायर करने पे 0.36। ठीक है, स्क्वायर करने से वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, अगर हमारी वी बाई सी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर हमारी बढ़ेगी तो हम इसको 1 में से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। कैसे, देखिए अगर हम इन नंबर्स को 1 में से माइनस करें, 1 माइनस 0.04 तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, हमारी वैल्यू आएगी 0.96। अगर इसको हम 1 माइनस 0.16 करें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.84। 1 माइनस 0.36 अगर हम करें तो ये वैल्यू हमारी आएगी आई थिंक 0.64। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहां से 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी। अब इस वाले टर्म की वैल्यू अगर हमारी डिक्रीज होगी तो m की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, हमारी m की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो अब हम थर्ड वाले फॉर्मूले पे आते हैं। देखिए अगर हमारी m की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, हमारा m क्या है, r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। m की वैल्यू इंक्रीज होने से हमारी r की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इससे हम फाइनल रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, देखिए If z increases, then v increases. ठीक है, if v increases, then m increases. ठीक है, and if m increases, then r decreases. ठीक है,
तो यहां से हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि रेडियस डिक्रीजेस विथ नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस। इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं तो उससे क्या हो रही है, हमारी रेडियस डिक्रीज हो रही है। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारा एस ऑर्बिटल, ये हमारा पी ऑर्बिटल और ये डी, ये एफ ऑर्बिटल हमारा, ठीक है, और सारे ऑर्बिटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे जैसे न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूक्लियस अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा किस पे लगेगा, एस ऑर्बिटल पे, क्योंकि ये क्या न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा पास है। उसके बाद पी ऑर्बिटल पे, देन डी ऑर्बिटल पे एंड देन एफ ऑर्बिटल पे। डी और एफ ऑर्बिटल पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम लगता है, ठीक है। तो जब ये न्यूक्लियस एस पी डी एफ ऑर्बिटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, ये जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एस और पी ऑर्बिटल में कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये क्या आ जाएंगे, न्यूक्लियस के और ज्यादा पास आ जाएंगे। और डी और एफ ऑर्बिटल भी न्यूक्लियस के पास तो आना चाहते हैं, लेकिन क्या होगा यहाँ पर, एस और पी ऑर्बिटल में क्या होगा, पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, इसको रिपल्शन करेंगे। तो एस और पी ऑर्बिटल में तो हमारा हुआ कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन डी और एफ ऑर्बिटल में हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। एस पी और एस और पी ऑर्बिटल में कॉन्ट्रैक्शन होगा और डी और एफ ऑर्बिटल में एक्सपेंशन होगा। ओवरऑल जो होता है, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, कहने का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है एक्सपेंशन की कंपैरिजन में, इसीलिए क्या होता है, हमारा साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करें थ्री डी फोर डी एंड 5d ऑर्बिटल की, तो जो हमारे 3d और 3d ऑर्बिटल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है 4d और 4d ऑर्बिटल के बीच में अट्रैक्शन से, और 5d और 5d के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, जो हमारा 3d और 3d ऑर्बिटल है वहां पे एक्सपेंशन कम होगा, ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। 4d और 4d में एक्सपेंशन ज्यादा होगा, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और 5d और 5d में इस तरीके से, ठीक है। तो जो 5d और 5d में बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू 3d एंड 3d। इसके बाद हम बात करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट की। ठीक है, देखिए आप लोगों को पता है कि ये हमारा एक ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है,
यहाँ पे इसमें क्या है, जो बोरॉन है हमारा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है और हेलियम जो है वो हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा क्यों होता है? जो बोरॉन होता है उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2 और 2p1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के पास, जो बोरॉन है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है और हेलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, ज्यादा है। तो उसके कारण नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होने के कारण क्या होगा, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एफ ऑर्बिटल में वो ज्यादा लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगने के कारण यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन जो पी वाला ऑर्बिटल है उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल पाएगा, लेकिन एफ वाला ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, ठीक है। लेकिन जो बोरॉन है उसमें जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, एस और पी दोनों ऑर्बिटल से हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली बाहर आ सकता है। तो इसलिए जो बोरॉन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है और जो थैलियम है हमारा वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन हमारे पास आता है कि जो ओवरलैपिंग है हमारी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल बिहेवियर। ठीक है, ओवरलैपिंग, अगर फिर 1/n क्या है, 1/n है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे डायरेक्शनल बिहेवियर से क्या मतलब है, डायरेक्शनल बिहेवियर से मतलब है देखिए, जैसे हमारा एस ऑर्बिटल है, ठीक है, हमारा जो एस ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पूरे के पूरे ऑर्बिटल में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, ऐसा नहीं होता कि कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, पूरी तरह से एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमारी इक्वल होती है। लेकिन जो हमारा पी ऑर्बिटल है इसमें देखिए, इसमें हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे के पूरे पी ऑर्बिटल में एक जैसी नहीं होती है, हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इस एरिया में और इस एरिया में मैक्सिमम होती है और यहाँ पे क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। तो जो हमारा पी ऑर्बिटल है वो क्या होता है, डायरेक्शनल होता है नेचर में, ठीक है, और जो हमारा एस ऑर्बिटल है वो डायरेक्शनल नहीं होता है। तो जो हमारी ओवरलैपिंग है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्शनल बिहेवियर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 1s, 1s ऑर्बिटल, 2s, 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 2p और 2p, 2p ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे किसमें जो है ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगी, कहाँ पे ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगी, किस तरीके से, देखिए यहाँ पे हम जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको प्रायोरिटी देते हैं, पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करते हैं और उसके बाद फिर डायरेक्शनल बिहेवियर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 1s और 1s में सबसे कम है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें कम है तो इसका जो इसमें जो ओवरलैपिंग होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो ओवरलैपिंग 1s और 1s ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद इन तीनों का, इन तीनों में जो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो अब हम डायरेक्शनल बिहेवियर चेक करेंगे। डायरेक्शनल बिहेवियर सबसे ज्यादा किसमें है, देखिए 2p और 2p, इसमें दोनों p ऑर्बिटल है, इसमें भी हमारी डायरेक्शनल बिहेवियर है और यहाँ भी हमारी डायरेक्शनल बिहेवियर है। तो हमारे जो ओवरलैपिंग है वो 2p और 2p ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद 2s एंड 2p ऑर्बिटल में होगी, एंड देन हमारे पास 2s और
2s ऑर्बिटल जो है इसमें हमारी जो ओवरलैपिंग है वो होगी। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा ओवरलैपिंग का ऑर्डर। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।